हेलो डॉक्टर। हेलो राजन। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? डॉक्टर, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ। देखो राजन, अगर आप हमारे पास आए हो तो हमसे खुल के बात करिए, हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। ओके डॉक्टर। आप क्या कहना है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जब तक आप हमें खुल के बताएंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ बताइए तो सही। क्या बताऊं डॉक्टर, समझ में नहीं आया। मुझे मतलब मेरी शादी को लगभग 7th 8th मंथ हो गए हैं, और हम लोग मतलब जिससे मैंने लव मैरिज की थी ना, पहली बात तो ये कि मेरी अपनी जो गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब मैंने जिससे शादी की है, मेरा अभी तक उससे कोई रिलेशन नहीं हुआ है। शादी से पहले आपका कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था? डॉक्टर, शादी के बाद हम चाहते थे कि फिजिकल रिलेशन बनाए, पर अभी तक हमारा रिलेशन नहीं बना है। क्या? आपकी शादी को 7-8 महीने हो गए और आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं बना? नहीं डॉक्टर, अभी तक तो नहीं, और मुझे लगता है अब होगा भी नहीं। कभी आप लोगों ने कोशिश किया या नहीं? मतलब कोशिश मैं क्या करूं, उसको भी तो सोचना चाहिए डॉक्टर। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि लड़की को सोचना हो जो आपकी पत्नी हो, उसे सोचना हो, ये आप दोनों का सोचना होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग तो ऑलरेडी पहले से ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह चुके होते हो, प्रेमी प्रेमिका रह चुके हो, तो कभी ये होता है कि हम अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो चाहकर भी ना हम फिजिकल रिलेशनशिप बना पाते हैं। लेकिन आप इसके लिए ना तो पहल करना होता है, क्या अभी आप दोनों एक बिस्तर पर सोते हैं? तो क्या कभी ऐसा होता है कि जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हो या सिर्फ एक दूसरे के साथ सो जाते हो, इधर उधर प्रेम पे ऐसा होता है? डॉक्टर, मेरी शादी एक नाम मात्र के लिए, या फिर मुझे तो लगता है कि उसका कहीं अफेयर है। डॉक्टर, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। ये आप कैसे कह सकते हो कि कहीं और अफेयर हो, जब अभी तक आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन हुआ ही नहीं? आप एक पति पत्नी हैं समाज के लिए, लेकिन प्रॉपर रूप से देखा जाए, जब तक एक पति पत्नी का संभोग नहीं होता तो वो पति पत्नी का रिश्ता पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो क्या कभी कोशिश किया है इस चीज़ के लिए? डॉक्टर, फिलहाल तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे करीब क्यों नहीं आती। अगर वो करीब नहीं आती तो तुम करीब चले जाओ। क्या तुमने कभी उसके पास जाने की कोशिश नहीं की? यस डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं घर जाता हूँ तो वो पहले से ही सो जाती है, और हम जब भी सोते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। आज के ज़माने में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनते ही रिलेशन होता है सबसे पहले, और हमें 3 साल हो गए डॉक्टर, 3 साल से हमारा अफेयर चला, हमने शादी भी की, लेकिन अभी तक हमारा फिजिकल रिलेशन नहीं बना डॉक्टर। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पास नहीं आती, और अगर आप उसके पास जाते हो तो वो सो जाती है? डॉक्टर, दरअसल वो बहुत बिजी रहती है, अगर मैं यहाँ हूँ तो वहाँ है, और घर में वो किसी न किसी काम में व्यस्त रहती है, मुझे तो वो वक्त देती ही नहीं। देखिए, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। जनरली ऐसा होता है कि इंसान जब काम में ज़्यादा बिजी होता है तो वो बहुत कम ध्यान दे पाता है, अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत कम सोच पाता है, क्योंकि वो दिन भर इतना प्रेशर बिजनेस का होता है या जॉब का होता है कि वो चाह कर भी जब तक वो घर पर आता है, आप काम में इतनी बिजी होती हैं, वो थका हुआ होता है तो सो जाती है। तो आप ये बताइए कि आप लोगों के बीच में वीकेंड में क्या करते हो? आप लोग संडे सैटरडे मोस्टली छुट्टी का दिन होता है, उस टाइम में आप क्या करते हो? डॉक्टर, यूँ तो हम साथ घूमते हैं, फिल्म देखते हैं, और लेकिन वो सब, घूमने जाते हो, मूवी देखते हो, कभी आप दोनों ने एक दूसरे के करीब आने की कोशिश नहीं करते? आप अपनी तरफ से पहल करते हो या नहीं? क्या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश की? यस डॉक्टर। फिर क्या होता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रही है? मुझको तो ऐसा लगता है कि उसको मेरे अंदर अब इंटरेस्ट नहीं रहा। शादी से पहले आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा था? बस डॉक्टर, एज अ गुड फ्रेंड।
एज अ फ्रेंड ओके, कभी शादी के पहले चलिए, अच्छी बात है, नहीं हुआ लेकिन शादी के बाद जब से 7 महीने का टाइम हो गया है, इन टाइम में आप लोगों ने कुछ तो किया होगा, कुछ तो करीब आने के लिए प्रोसीजर रखा होगा। ठीक है, देखिए अभी मैं जो आपको बता रही हूँ आप बस उसको देखिए, कोशिश करिए, हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ जो है सक्सेसफुली हो जाए। बिकॉज होता क्या है, अब आप कोशिश करते हैं किसी भी काम के लिए, जब कोशिश करेंगे तभी तो आपके काम आगे बढ़े पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करिए कि जब आप अपने घर में आएँ तो आप अपनी पत्नी के साथ हंसें, बोलें, उनसे बातें करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है। ओके मैम, मैं आज से ही ट्राई करता हूँ। गुड, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।